गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट लेक्चर इज चैप्टर 6, रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। बेटा, ये हमारा 6th चैप्टर है। जो हमारा 5th चैप्टर था वो हमारा सिलेबस से कट हो गया है, तो 4th के बाद हम डायरेक्ट 6th चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारी सोसाइटी है उसका क्या रोल है एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो हमने ऐसी डेवलपमेंट करनी है कि हम एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन भी करें। तो यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है कि सोसाइटी का क्या रोल रहा है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को लेकर। सबसे पहले यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है पब्लिक अवेयरनेस। मेन टॉपिक है ये। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि पब्लिक अवेयरनेस हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह हम पब्लिक अवेयरनेस करके लोगों को मतलब अवेयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, या लोगों को हम किस तरह अवेयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, और हम अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं कि हमारी डेवलपमेंट भी होए और एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन भी होए। तो पब्लिक अवेयरनेस जो है वो हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, तो पब्लिक अवेयरनेस हम लोग नंबर 1 है, अवेयरनेस अमंग पब्लिक थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं। सेकंड इज इको क्लब्स हम बनाकर अवेयरनेस कर सकते हैं पब्लिक के बीच में। पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम, पॉपुलेशन की एजुकेशन प्रोवाइड करके हम अवेयरनेस कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन वगैरह हम चलाकर कर सकते हैं अवेयरनेस। एंड लास्ट इज़ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। डिफरेंट पॉलिसीज बनाकर हम पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस का फर्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस अमंग पब्लिक थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम अवेयरनेस बहुत कर सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे इस समय आपको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एनवायरनमेंट साइंस या एनवायरनमेंट एजुकेशन सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं? आपको ये सब्जेक्ट कंपलसरी किया गया है ताकि इस सब्जेक्ट को पढ़कर, ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट होने के नाते आप इसके लिए अवेयर हुए, और आप जब स्टडी करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से आपको अवेयरनेस मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा पिछले हमने 2-3 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, कवर किए हैं, उसमें आपने एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। ये सब हम प्रैक्टिकली भी करते हैं। हम आपसे कहते हैं प्लांटेशन करिए, ठीक है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कि आप लोगों को अवेयर करिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस करो। हमने अर्थ डे सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था। वो क्या था? वो एक तरीके से पब्लिक अवेयरनेस था थ्रू एजुकेशन। तो इसी तरह कुछ और पॉइंट्स भी हैं कि एनवायरनमेंट एजुकेशन हम करवाकर अवेयरनेस करा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसकी नॉलेज हमें मिलती है एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए हमें जो है पता चलता है कि हमने उनको क्यों कंजर्व करना और कैसे कंजर्व करना है। ठीक है, जो हम लोग एनकरेज हार्मनी ऑफ नेचर विथ लाइफ, ठीक है, एनकरेज किया जाता है कि हमारा जो नेचर है या लाइफ है वो किस तरह कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एग्रो इंडस्ट्री के बारे में हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है, मतलब हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है अवेयरनेस के थ्रू। और ये भी पता चलता है कि एग्रीकल्चर के थ्रू हम लोग का जो इंडस्ट्री का जो सेटअप है, जो बढ़ावा बन रहा है, जो इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग भी बनाती है, इसके बारे में भी नॉलेज मिलता है। तो ये हमें एजुकेशन के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि एजुकेशन के थ्रू हम लोग एनकरेज करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा हमने ट्री प्लांटेशन करनी है, प्लांट्स ग्रो करने हैं। आपको भी हम कहते हैं ना, जैसे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जब सेलिब्रेट किया था तो हमने बच्चों से कहा था कि अपने घरों में प्लांटेशन करिए। तो ये एजुकेशन का पार्ट आ जाता है ये भी। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट क्रिएट करना एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। जब आप लोग एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों में इंटरेस्ट भी आता है, और आप अपने घरों के आसपास भी ये चीज़ ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज है तो आप क्या करोगे,
कम से कम पानी का यूज़ करोगे, कहीं पानी आप वेस्ट होता हुआ देखोगे तो उसको बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जहाँ आपको लगे प्लांटेशन करनी चाहिए आप प्लांटेशन करेंगे, तो ये सारी एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये था अवेयरनेस अमंग पब्लिक थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हम किस तरह की अवेयरनेस ला सकते हैं, जो आप लोग अपने अपने इसमें भी लाते हो, जो आप स्टडी के थ्रू लाते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बी पार्ट है इको क्लब्स। इको क्लब्स क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा कि जो हमारी कोई भी सोसाइटी है मिलकर कोई ग्रुप बनाती है, ठीक है। उस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो मिलकर अपना एक सोसाइटी के साथ मिलकर एक इको क्लब बनाते हैं, जिसका कोई भी हम नाम दे सकते हैं, और वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करती है। जैसे उस ग्रुप में कम से कम 10, 15, 20 या 25 लोग मिलकर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। इको क्लब्स कैन इंक्लूड स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट, विलेजर्स, सोसाइटी एक्सेट्रा। इसमें स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, विलेजर्स भी हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग भी हो सकते हैं। जैसे हमने अपने कॉलेज में वाटर वॉरियर्स की टीम बनाई है, हमारे 50+ स्टूडेंट्स हैं जो वाटर वॉरियर्स की टीम है, जो वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। तो इनका क्या काम है, वाटर के लिए अवेयरनेस करना, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना। सेम ऐसे ही इको क्लब का भी यही काम होता है। इको क्लब्स हम इस तरह बनाकर वाटर कंजर्वेशन, प्लांट कंजर्वेशन या नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन, इसके लिए काम करते हैं। इको क्लब्स जो है छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं। छोटे ग्रुप्स भी हो सकते हैं और बड़े ग्रुप्स भी हो सकते हैं। इको क्लब्स की हेल्प से आप अपने सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं और एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। अपने एरिया के लोकल विलेजर्स को आप अवेयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। आप लार्ज नंबर में प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं लोगों में थ्रू रैली, पोस्टर मेकिंग एक्सेट्रा, और आप एक मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और नेचर कंजर्वेशन के लिए। इको क्लब्स का काम होता है। जैसे आपने देखा होगा एनजीओज वगैरह भी होती हैं, बहुत सारे प्राइवेट एनजीओज हैं, गवर्नमेंट एनजीओज हैं जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करती है, ठीक है। सोसाइटीज़ होती हैं जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन काम करती है और नेचर को कंजर्व करती हैं। हमारे कॉलेज में भी हमने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए वाटर वॉरियर्स की टीम बनाई हुई है। 50+ स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों को भी मैं उसमें जोड़ना चाहूँगी आगे चलकर, जब भी हमारा कॉलेज स्कूल खुलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम। इस पॉइंट में है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी उतना हमारा डिमांड जो है वो बढ़ेगा रिसोर्सेज को लेके, और उतना ही हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करेंगे। जितना हम रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करेंगे उतनी हमारी रिसोर्सेज जो है कम होती जाएंगी, खासकर नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं होती हैं, जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं रिन्यू होती हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ अवेयरनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करना, डिजीज़ से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड अवेयर करना, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयर करना, ठीक है, जैसे हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड अवेयर करना, एड्स और HIV जैसे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं इनसे रिलेटेड अवेयर करना, ये सारी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर, पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर। ये सारा ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड आ जाता सब कुछ, कि हम लोगों की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और हम लोगों को रिसोर्सेज कितना यूज़ करना है, और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये आपको मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ चैप्टर में पढ़ाया भी था थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन, अब लोगों तक हमने किस तरह मैसेज पहुँचाना है कैंपेन के थ्रू, तो हम थ्रू रेडियो, TV, सिनेमास के थ्रू हम अवेयरनेस कर सकते हैं, स्लोगन्स के थ्रू, रैलीज के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, स्पीच देकर, या कोई सेमिनार करवा के, या कोई वर्कशॉप करवा कर भी अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं। ये सारा अवेयरनेस जो होगा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए होगा, पब्लिक अवेयरनेस। नेक्स्ट इज, लास्ट पॉइंट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसीज बनाई जाए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के लिए, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। तो किस तरह की पॉलिसीज बनाई जाएंगी,
जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ विलेज एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीशीज पाई जाती है, तो लोकल पीपल को अवेयर किया जाए और उनको गाइड किया जाए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, स्पेशल स्पेसिफिक स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, ठीक है? तो उनको एजुकेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और वो अच्छे से अच्छा काम कर सकता है लोकल पीपल, ठीक है? उसके बाद जितना हो सके कम से कम यूज़ किया जाए फर्टिलाइजर्स का, सीड्स का, केमिकल्स का एग्रीकल्चर में, जिसमें हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। जैसे जो हमारी सॉइल है, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हुए जा रही है आगे से आगे। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? उसके बाद यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह के ये वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिल रहा है और ख़त्म भी नहीं होंगे अगर इसको अगर हम ओवर यूज़ करें, ठीक है? इस तरह के रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हमने टॉपिक कवर किया, जो हमने आज टॉपिक कवर किया ये हमारा क्या था, पब्लिक अवेयरनेस। तो पब्लिक अवेयरनेस के अंडर हमने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स जो हैं ये हमने कवर किए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूरा बन जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।